खुर्रम जी सारा ना हमारे ग्रुप में आपका फिर से स्वागत। और अभी सुबह सुबह लगी हुई है गेहूँ सफाई के लिए, बाकी हमने साफ करके रखे थे, मगर इस गोबर थोड़ी सी हो रही है। एक भी कौन किसी बात कर दी, एक भी कौन है इसमें थोड़ी सी, उन्हें वो पाइप ना काट देना सारी चली जाएंगी। तू इसमें सारा पाइप इसमें भर दिए तू सारे गेहूँ, जब पता हम सोचा हर साल कम कुकर पड़ गया है, नो कम पड़ा है नालिया में बा दे हैं। और टाइम हो रहा है साढ़े नौ पौने दस बजे का टाइम हो रहा है, तो ये भी मैं अपना रायता बना लूँ, इसकी सब्जी धरी है और मैं खीरा और बूंदी गे रखी ना, और थोड़ा सा रायता बना लूँ, बूंदी खड़े भगा दी पाओ में बुनिया चीज बढ़िया सा। आपने एक नया तरीका दिखाऊंगा मैं छोक लगाने का, और फिर मैंने जाना है एक बार बाहर बैंक में काम, 11-12 बजे से जाऊंगा और एक दो घंटे लगा के फिर वापस आ जाएंगे। और ऐसे दिए को रखे उसके अंदर घी और जीरा डाल के, और फिर अभी देखना भी गर्म हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। और ये ऐसे उठाया इसको और ऐसे करना है, देखा सीधा दिए को डाल दो इसके अंदर। और ये पड़े पड़े केक रखे आ रही थी, मैं भी सोचू था कि जान की, मगर ये पड़े पड़े बॉक्स ही ला गए, तो फिर एक समोसा ले आऊंगा मेरा, हम दोनों आधा आधा खा लेंगे, जिस तरह परहेज भी ना टूटेंगे और बाहर का भी खाना ना होगा, तो एक समोसे में तो कुछ नहीं जाता। और टाइम हो रहा है फिलहाल एक सुबह का, और मैं सुते उठ के मैं रोटी पानी खा के दस सर दस सिर्फ मैं सो गई थी, क्योंकि मैंने पूरी रात नींद को नहीं आई, मेरी पूरी रात फिर मैंने 2-2:30 बजी है। और फिर आज पापा जा रहे हैं बाहर, पापा के तो गए, आज पापा के मतलब दोस्त है उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, मतलब साथ ड्यूटी कराया करते, और जो मम्मी का गोत है शायद वो ही है, मतलब पहले तो है कुछ मतलब नौकरी नौकरी कराया करते गए तो आना जाना है, तो अंकल का बेरा लेने का तर पापा जा रहे हैं। तो फिर पापा गए थे सवेरे 4:30, तो फिर मैं 3:30-4 बजे उठी थी, पापा ने तो मना कर दिया बेटा मैं रोटी लेके कौन जाऊँ, फिर मैं पापा भूखे शाम लग भूखा इंसान किसे भी को रह जाओ नहीं, तो पापा बोले तेरे अंकल द्वारा खा लेगा, मैं पापा अंकल द्वारा खा लियो कोई दिक्कत ना आया, पर मैं दूंगी रोटी मेरा जी को नहीं मानना, क्यों देखो अगर दो रोटी खा ले कहने एक बारी घर ते भूखा जावे और कई बार अगला आदमी नौड़े रोटी ना मिले उस दिन नू बनया करो उस गल, तो फिर जाते क्यों भाई बीमारी का घर है, बीमारी अगर में एक मौके इंसान को ना ही पूछ पाओ मतलब भूल जाए फिर कुछ बात हो जाए तो जाता है। फिर पापा ने रोटी बना के दे दी थी, मैं भैया खा लियो मैं, और फिर बाद मोड़ खा लियो बारिश रे, पापा बोला ठीक है, तो पापा और आओगे शाम तक। फिर मैं तो 4:15 में तो उल्टी ही सो गई, क्योंकि मैं पापा बाहर कितने भी जाऊँ तो मैं रोटी राटी बना के ही दिया करूँ, मैं वैसे ना भेजा करूँ, तो चमन 3 बजे उठना पड़ो, चमन 2 बजे उठना पड़ो, चमन 1 बजे उठना पड़ो, या फिर सुनील हो पापा हो या कोई भी, लेकिन सुनील कहने तो मलकस कर दू, लेकिन पापा कहने तो मलकस को नहीं करा जाता कि मामे बाहर खा ले ना लेके जाऊँ, तो पापा बाहर की मैं खाऊ, अरे इतने गर्म तो पानी भी ना पिया जाओ, वो भी ना पचे भी ना खाए पिए, तो ये मैं ठाली झाड़ू और ये मैं करूँ झाड़ू पोछा, एक बार 10-15 मिनट का काम है फिर देखूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। और ये वापिस आ गया, मैं गया था समोसा लेन, मगर फिर मैंने कड़ा सा मन करके ने कहा नहीं वहाँ बाहर का कुछ नहीं खाना 30 दिन तक, सोचा लूँ था मैं एक समोसा ले आऊँगा, क्यों नीचे वाली पापड़ी पापड़ी या खाया करें और ऊपर का जो आलू भरा उड़ा वो मैं खा लूँगा, फिर नहीं मैंने पूरा दृढ़ निश्चय करके उसको मना कराया मैं समोसे को देख कर, तेरा समझ मनाओ बात, तेरी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी स्लो है। मर्गी मर्गी कौन मर्गी आप
फिर इतना पानी गिरना जरूरी था इस पे। अरे पानी को नहीं, वो बहुत ज्यादा पैर था और वो फिसल गया। ओहो, अरे बेरा नहीं टायर लगवा रखी महंगे पाकी, फिसलनी टायर लगा रखी है, धनमाग लगा रखी से। तो दूसरा खातर तो फोन करके ना उनकी गाड़ी कटवाओगी। अरे आड़े खुद का आदमी जाओ, जब ये फोन न ठाने बंद करते से कोई ना, फिर भी हमने भी धनमाग लगा दी। उन खातर तो फोन कर दिया। हाँ हाँ अच्छा, कल से मैं अलग जाऊंगा मंदिर में, तू अपना अलग जा, मेरा जो टाइम होगा जैसा होगा मैं चला जाऊंगा। चाहे मैं 5 बजे जाऊं, चाहे मैं सुबह 6 बजे जाऊं, तेरे डाल 9 बजे ना जाया जा। अच्छा दो फिर हो रहा है, रात का टाइम सही होता जाड़ लग रहा है, थोड़ा यूं छरता जाड़ लग रहा है। अरे कहां थोता छ ना बच जगना भाई साहब, मैं कल से अपने अलग से जाऊंगा, अपने कोई कोनी रसाई आती इसके घर, अपना काम जो करना कर कुरा की ना इसके घर रहते हो तो 9 बजे 10 बजे नु करती से मैं ना जाता ही कल तक। अगर अगर मेरे घर तने कल चलना है तो 6 बजे तैयार हो जाइए, ना जाना तो मैं अपना एक लोटा ले जाके ना जल चढ़ा आऊंगा। हाँ बस बात खत्म। ऐ सड़ी हुई लुगाई, बुरिश भी ना करती। ऐ छी, ऐ बोल ले कैसे छी, मैं ऐ छी, मैं नहीं सुन रहा। ऐ छी 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 गलती ना, ऐ छी 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 बोल ले कैसे छाल से बोल ले, बोल ले छालनी भी क्या बोल ले जी, मैं 70 छेद सड़ा से कती नु मुंह में तो बात कर। जब मैं सोची कमरे में नु अजीब सी स्मेल कुकर हो रही है। हाँ हाँ, जब मैं सोची इस कमरे में अजीब सी स्मेल कुकर हो रही है। और मैं भी पापा दोनों घंटी मारू, मैं पापा एसी रात का बंद ना होया है, 1 सेकंड भी बंद ना होया है, गेट फूंक दे, मेरा घुटन हो जाए कमरे में। 20 इसने ठीक कर, अब फिर मैं पैर छोड़, इसने ठीक कर दे और मालूम है गंदगी। तो तुम क्या क्यों कर रहे हो, तेरा कानी जो मैंने बुला लो का परांठे बना दे, मैं तो गुस्से में लड़ाई हूँ, मैं लड़ाई कर लूँगी। तू लड़े लेना, तू चली जा, कितनी प्यार तू जा, कितनी प्यार था? तू चली जा भाई, मेरा पीछा छोड़, मैं हो गया तेरे दुखी। के मैं कह दे वो तेरे बढ़ना नहीं, तेरी रसोई खराब हो जा, इभी टेम्स है, इभी नू हो जाएगा, इब वो नू हो जाएगा। 3 बजे ठीक होने पापा, कल बना ले पापा। तो कल तड़के बनावा, चूल्हे बनाओ, मैं अपने आप आग जला दूंगा सुबह 6 बजे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सो ना फिर शाम ना बना ले, ना शाम ना पापा ना खावे, पापा खावे है। और ये भी फिर वाला भूखा मरता, और मैं कहूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तेन को चावल बना ले, मैं कुछ सिमी बना दूँ, तो सोयाबीन इन भेजूँ, और ये चावल खिचड़ी वाले बच रहे हैं, फिर मन चल आज ये बना ले, खत्म भी हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा सारे के सारे। ना उसे भी बच रहे हैं, और चावल भी बनके मेरे हो गए रेडी, थोड़े कच्चे रह रहे इतने बन जाएंगे, और उन्हें सोयाबीन ही उनका पहले फ्राई करनी है, तो फ्राई करनी तो मैं कढ़ाई में ही फ्राई कर दूँ इन्हें, इसे मैं बन जाएंगे और इसे मैं फ्राई हो जाएगा। अगर टाइम तो फिलहाल 3:30 बजे का हो गया, मेरा चूल्हा फूक मारे तो चल मैं चलता ही हूँ, तो फिर मैं चल भूख सिला कर थोड़ा बहुत खाने का बना ले, तो फिर मैं चावल बना लिया, फिर शाम में रोटी सब्जी बनानी पड़ेगी, क्योंकि शाम ने फिर आलू के परांठे ठीक होने, पापा ने वैसे रोटी पानी थोड़ी खा रखी है, फिर थोड़ा नु है ना भाई सब्जी सब्जी तक रोटी सही खानी, फिर आलू के परांठे वो अचार गए खाने से, मेरी पापा अचार ही ले गया था, सब्जी ने नाटी वाले बेटा मैं सब्जी को नहीं जाऊँगा, ठीक है फिर तो जाता है, तो मैं बना लूँ चावल, और ये सब के मैं काट पीट के दे दिया, और ये भी लग गया बनाने, बस एक बनाने का नाम करा कि हाँ मैं बनाऊँ, और ना सब कुछ कर पीट के मैं दे दूँ इसमें। प्याज मैंने काट दिया।
सारा काम मैं करूंगी अगर मैं इस तरह के बना दू ये मुंह को नहीं गल इसने खुद ने बनाए तो इसने लागे बढ़िया बढ़िया लगनी मस्त बने रहे नी हाँ ये एक नंबर के बने रहे है और मैं भी अपने चावल लिया मैं भी खा लू क्योंकि भूख लग रही है कुछ उत्ती तड़के रो और भाई एक पार्सल रिसीव होया है इसने मेरा ने के मंगवाई जा सा शक्ति को ने एक तो दो तीन ले आई थी तू ये डब्बा भी ना खोल लिया वो मन ना खोलना पड़ा कितनी की जुत्ती इकट्ठी करेगी देखती है और मेरा काम है चूल्हा जलाना चूल्हा आग जलाने का वो मैंने अपना शुरू कर दिया है और या चून उसने लाग रही है हाँ गर्मी आज हो रही सर बढ़िया हाँ और आज तो फिर भी कल तो बढ़िया बनाई क्योंकि कल तो फिर वो पहला दिन था ना और भाई आज फिर अपने चूल्हे की रोटी ते दाल ये बना ऊपर मत से की साइड में देख आज जगह है सर कल तो बढ़िया आज सर हाँ चूल्हे पे बने लग तो गर्मी से पर थोड़ी बहुत हवा लग गई गर्मी कड़े से हवा लग गई सर हाँ हाँ जब बत मैं ना रसोई साफ कर ली सही बात है मैं जब मैंने मेरी बहू का सुख देखा महा मेरी बहू सुख की दुखी हो रही थी रसोई में इसलिए मैं चल भाई चूल्हा जलाते हाँ बिल्कुल शाम ना सुबह अपने चूल्हे पे परांठे बनाऊंगे आलू के परांठे तो यहाँ पर रखे कोई दिक्कत नहीं ना 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 शाम की बात ना हुई आज तक मैंने चूल्हे पर परांठे ना खाए हैं चूल्हे पर बनवा के ना 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 शाम शुम को ना और भाई खाने ला रहे दाल और चूल्हे की रोटी आज दूसरा दिन है तो भाई स्पोर्ट राखियो आरिश समझाइयो कि 30 दिन पूरे करे क्यों थे जितना आग तो रहा बैठेगी ना उतना ही इसका नजले में भी आराम मिले क्यों छाती सकेगी तो फिर सांस आना भी इसका थोड़ा बहुत शायद खुल जा इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ मैं मेरी कड़े गई खा लें रोटी आती बारिश आ गई अच्छा खा ले ठोक ले रोटियां ना और एक टाइम हो रहा है फिलहाल 10 बजे के आसपास का और बेरानी दिन में भी घड़ी सोली शाम शरीफ भी सोली और ये भी बैठी बैठी ने नींद आने लग रही है रोटी तो खा ली आज वैसे मैंने मजा नहीं आया कुछ भी रोटी खाने बिरानी क्या था लेकिन इसने तो खा ली सारी खाई आप रोटी 7-8 रोटी थी वे सारी खा ली ये गंदा सच्ची बता सही में अरे मैं भी करड़ी करड़ी मोटी बड़ी क्योंकि इसने मैं नीचे सेकूंगा मैं करड़ी करड़ी सेकूंगा इन्हें नीचे अपनी करड़ी करड़ी सेक ली और मैं 7-8 रोटी थी मैं यार पापा तो खाऊंगा ना मेरे पापा कितनी नरम रोटी दरी है और मैंने देखी भी कौन मित्र कितनी खाई कितनी इनको मैं सारी खा गया टंग रहा इतनी इतनी खा रहा है इन्होंने तो 3 रोटी खावा 4 रोटी खावा इतनी इतनी खा गया आज तो थे भी मोटी मोटी और दिन तो पता ही चले बना करती मास तो मोटी मोटी बनाई मैंने चूल्हे पर करके अरे वैसे ठीक है मतलब हवा लग गया जा और बाहर की साइड और रोटी बन जाए साड़ी तरह गर्मी हो जाए रसोई में तो भयंकर आई लेकिन ऊपर तो कम हो है नीचे रसोई में गर्मी ज्यादा हो क्योंकि ऊपर तो है ना ये पिछला ये गेट खुल जाए अगला गेट क्रॉस हुआ मतलब नहीं
चूल्हा ना जा लड़े होंगे मैंने चूल बंद करनी पड़ा गेट जब जाकर रोटी बने और जब पंखा चलता हो तो रोटी ना बनती ऊपर नु हवा लागती रहे पंखा भी लगा दिया लोबी में तो इसकी भी हवा आती रहे है। तो बस आज का व्लॉग था मेरा जो है, अगर अच्छा लगे तो अपने मेरा चैनल कर दिया सब्सक्राइब और वीडियो कर दिया लाइक और शेयर और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा करो बाबा बहुत घना प्यार देने लग गए मामे ने भी हौसला मिल रहा है। तो जब तक ले गुड नाइट टाटा बाय बाय।